ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के न्याल कन्याड़ में 15 लाख तथा बलहाड़ में 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित पशु औषधालयों का कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि इन पशु औषधालयों के बनने से नजदीकी पंचायतों के पशुपालकों को पशुधन का उपचार करवाने में मदद मिलेगी। इन पशु औषधालयों में जरूरत पड़ने पर पशुधन की सर्जरी की सुविधा भी मिलेगी। नूरपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट, KRT न्यूज नेटवर्क। नलके का पानी पहुंचा दिया, स्कूलों में सुधार हुआ है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है, आज पशुओं में भी सुधार की जो है वो कोशिश की जा रही है कि हम अच्छी नस्ल के पशु रखें। और दूध की जो हमारी परंपरा, ये दुधारू पशु रखने का, उसको दोबारा हम करें। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि गाय का दूध जो है वो हम आपको से 45 रुपये किलो लेंगे और भैंस का दूध जो है वो आपसे 55 रुपये किलो लेंगे। और एक 350 करोड़ रुपये का बहुत बड़ा प्लांट जो है, एक दूध की इंडस्ट्री जो है वो हम ढगवार में लगाने जा रहे हैं। पहले वाली सिर्फ 1 लाख लीटर दूध के लिए बनाई थी, लेकिन वो ठीक नहीं है। और एक आधुनिक दूध के लिए बहुत सी चीज़ें उससे बनेंगी। कारखाना जो है वो हम ढगवार में खोलने जा रहे हैं, जिसका विधिवत उद्घाटन जो है हमारे आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह को मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश करें। और हम चाहते हैं कि गांवों में दूध सोसाइटियां बने। अभी तक लगभग 250-300 दूध सोसाइटियां बनी हैं, लेकिन रजिस्टर बहुत कम हुई हैं। हम ये चाहते हैं कि जितनी हमारी माताएं बहनें हैं जिन्होंने दुधारू पशु रखे, चाहे वो अनपढ़ी है, वो उस सोसाइटी की जो है वो सदस्य बने। और इस प्रकार की ये जो हमारी सरकारी सभाएं हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, उनके माध्यम से हम दूध इकट्ठा करें। अभी आप जब शहर में जाते हो, किसी दुकान के ऊपर जाते हो, दूध नहीं मिलता, तो आप जो है वो बेरका का दूध लेते हो, आप जो है आप वहाँ से अमूल का दूध लेते हो, अगर किसी को लस्सी की जरूरत है तो आप अमूल की लस्सी लेते हो, किसी को चीज़ और बटर की जरूरत है तो आप अमूल का बटर लेते हो, या आप जो है वो बेरका के लेते हो। हम भी चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी हम अपनी दूध की खरीदो फरोख्त जो है वो दुकानों के जरिए करें, जिसका नाम ने हिम लिखा है, हिम दूध उत्पादन। करोड़ों रुपया जो है हमारा जो है वो इन सोसाइटियों को जाता है, जो हमारे शहरों में, हमारे कस्बों की दुकानों में जो है वो थैली वाला दूध बेचते हैं। ये थैली वाला दूध जो है ये जो एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलता है, कहीं फ्रिज में रखते हो तो थोड़े दिन चलता है, 7 दिन के बाद इसकी गारंटी ख़त्म हो जाती है। इसलिए जो हम अपने प्लांट से जो दूध तैयार करेंगे, दही तैयार करेंगे, छाछ तैयार करेंगे, मक्खन तैयार करेंगे, उसको भी हम खुली मार्केट में बेचेंगे, तो तभी बेच सकते हैं जब हमारा पशुधन अच्छा होगा, साफ सुथरा पशु हम रखें। अब हमारी योजना ये है कि 3-4 जिसने गाय या भैंसें पाली हैं उनके जो है वो कैटल शेड, जानवरों को रखने के लिए जो गौशाला है, जहाँ घर में जो हम अपना ये जो है दूध देने वाले पशु रखते हैं, उनके लिए भी अच्छे जो है वो हम घर बना करके देंगे पशुओं के लिए।
जिसमें पंखा भी हो, हैंडपंप भी लगा हो, उसको समाए समाए के ऊपर जो है उसकी सेवा भी अच्छी हो, सफाई भी ठीक रहे, तब जा कर के हम सुधार कर सकते हैं। पहले हमारे किसानों में बड़ी पशुओं के प्रति बड़ा प्यार होता था,